नमस्कार, मैं दृश्यमल और आप देख रहे हैं स्थिति। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबरें। खबर है मिर्जापुर से। मिर्जापुर 395 छानवे विधानसभा के उपचुनाव में प्रयागराज से जिला पंचायत सदस्य बब्बन दुबे द्वारा छानवे विधानसभा के जिम्मा एवं व्यापुरा के गाँव में घूम कर लोगों से उपचुनाव में समाजवादी प्रत्याशी कीर्ति पोल के लिए घर घर जाकर लोगों से वोट करने की अपील की गई। वहीं प्रेस प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पूरे विधानसभा में समस्याएं बनी हुई है। मुद्दा आपको मालूम है, पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सड़क पूरा खस्ता हाल है। यहाँ से वहाँ तक जिगना से लेकर हम लोग यहाँ कई गाँव में आए, गोरा में आए, गोगाँव में आए, खैरा में आए, बसेरा में आए, दुबोली में आए, नगवासी में आए, जितने गांव में हम लोग गए, रास्ता सही नहीं है, न नाली की व्यवस्था है गांव में, न कोई व्यवस्था है, न कोई यहां पर बिजली का बड़ा पावर हाउस लगा है, न आप समझे नहर में पानी का जैसे नहीं है। किसान परेशान है, ओलावृष्टि हो रही है, बेमौसम की बरसात हो रही है, सरकार का कोई इंतजाम नहीं है। नौजवान हर गाँव में भारी संख्या में पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है। ये विधानसभा उपचुनाव है यहाँ पे छानवे का, तो समाजवादी पार्टी से जो कीर्ति कोल प्रत्याशी लड़ रही है, विधायक छवि की नेता है, अगले बार चुनाव लड़ी थी, बढ़िया वोट पाई थी, उसके पिताजी सांसद रहे हैं, विधायक छवि के सांसद हो भी रहे हैं, उनका भी बहुत क्षेत्र में नाम है। तो हम लोग विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने जैसे बेरोजगारी भत्ता कन्या का लैपटॉप दिया था, 100 नंबर 112 नंबर जो गाड़ी चलवाई थी, आप समझ लें, तो ऐसा बीजेपी का कोई काम नहीं है। बीजेपी ने केवल झूठ बोला है और धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लिया है, लड़ाया है एक दूसरे को, और काम कुछ नहीं किया है। रंग उतवा करके पीला करा करके नाम का केवल बदला है और काम इसने कुछ नहीं किया है, न काम ये करेगी। ये केवल हिंदू मुसलमान को लड़ा करके, और जब कोई मुद्दा की बात होती है तो पाकिस्तान की बात छेड़ देते हैं। अभी देख लें, जा हमारे देश में जो